जय हिंद दोस्तों, सभी टीचर्स के लिए ये ज़रूरी है कि आजकल कंप्यूटर असिस्टेड प्रोग्राम को रिकॉर्ड किया जाए और बच्चों तक पहुंचाया जाए। साथ ही साथ अपने आप को इस तरह स्किल्ड किया जाना बहुत ज़रूरी है कि आने वाले समय में बच्चों के साथ मिलकर अच्छे से शिक्षण प्रोग्राम को और रुचिकर बनाया जा सके। कोविड के बाद जो भी सिचुएशन शिक्षण में आएगी, लर्निंग प्रोग्राम्स में आएगी, उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा डिवाइस से जुड़े होंगे और उनको बहुत सारे प्रोग्राम्स का पता होगा। ऐसे में अगर टीचर्स को बहुत सारे फंक्शंस का नहीं पता होगा तो बच्चे उनके साथ रुचि लेकर शिक्षण कार्य में लर्निंग में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और लर्निंग नहीं होगी, क्योंकि बच्चे ज़्यादा जानते होंगे और टीचर्स कम। लिहाजा ये बात ध्यान रखी जाए कि हमें कंप्यूटर असिस्टेड प्रोग्राम्स को बनाना आना चाहिए। आज मैं इसी पर बात करूंगा, बहुत कम समय में आप बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, जब आप चाहते हैं कि कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग प्रोग्राम बनाया जाए तो उसके लिए आपको सबसे पहले सुनिश्चित करना है कि आपके कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर ऑडियो और माइक्रोफोन सिस्टम होना ज़रूरी है। अगर ये देखिए, अगर आपके कंप्यूटर के अंदर ऑडियो सिस्टम और माइक्रोफोन सिस्टम नहीं है तो फिर आप इसको बनाने में मुश्किल महसूस करेंगे, नहीं बना पाएंगे, तो ये सुनिश्चित कर लीजिए। इसके अलावा अब आप क्या करेंगे कि आप सबसे पहले अपना पावर पॉइंट ओपन करेंगे और इसे ओपन करेंगे, ये आपको मैं बता दूं, आपका पावर पॉइंट 2010 होना चाहिए। 2010 के अंदर ये बहुत अच्छे से बन जाता है और एक ब्लैंक स्लाइड ले लेंगे आप इसमें। उसके बाद आपको पता है सारी किताबें पीडीएफ फॉर्मेट में मौजूद है। अब मैं इसमें एक प्रोग्राम बना के दिखा रहा हूँ आपको, बहुत आसानी से बहुत जल्दी बन जाता है। तो मैं कक्षा 6 का मैथमेटिक्स की किताब ले लेता हूँ साथ, और मैथमेटिक्स में मैं अल्टरनेटिवली एक चैप्टर ले लेता हूँ। चलिए चैप्टर नंबर 4 पे मैं जा रहा हूँ, और चैप्टर नंबर 4 पर जाने के बाद देखिए इतना बड़ा पूरी पेज पे फाइल खुली है, तो इसको आप जूम इन कर लीजिएगा। जूम इन मतलब थोड़ा छोटा कर लीजिए ताकि पेज 1 पे आ जाइए। देखिए एक पेज पे आ गया है। अब आप क्या करेंगे कि एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद टेक अ स्नैपशॉट, ये जब आप क्लिक करेंगे और पेज के किसी भी हिस्से पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये फ्लैश किया है इसने। इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो चुका है और एक कॉपी भी हो चुका है, आपको कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आप जाएंगे पावर पॉइंट में और यहाँ जाकर के पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल वी मैं इस्तेमाल करता हूँ। फिर डबल क्लिक जब आप करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन क्रॉप खुल जाता है राइट साइड में ऊपर। आप इस क्रॉप में जाकर क्रॉप ऑप्शन को ले लीजिए और जो एडिशनली ये स्पेस घेर रहा है, जो सेलेक्टेड पोर्शन था पेज का, उसको आप क्रॉप कर लीजिए, कट कर लीजिए, ये देखिए, और बाहर क्लिक कर दीजिए। फिर इसको उठाकर आप जहाँ सेट करना चाहते हैं वहाँ पर कर लीजिए, इस तरह से ये आपका यहाँ आ गया। लेकिन मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मैंने कॉपी और पेस्ट करना आपको बताया है, क्रॉप करना बताया है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। मैं दोबारा से वहीं जाता हूँ कैसे प्रोग्राम बनाना है। तो आपको एक बात और बताता चलूँ यहाँ पर, कि जब आपका पेज ये जूम इन होता है यानी जितना छोटा दिखता है तो उतनी ही दिक्कत आती है, बाद में वो ब्लर दिखाई देगा पावर पॉइंट में। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा ही कर लेता हूँ। आप जैसे टीचर हैं मैथमेटिक्स के, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको पता होना चाहिए चैप्टर में क्या लिखा है, क्या बताना है। इतना मैंने सेलेक्ट किया है इसको, और अब मैं वापस पावर पॉइंट में इसको पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ मैं आवश्यकता के अनुसार इसको जूम इन करता हूँ। देखिए HD क्वालिटी में ये आया हुआ है यहाँ पर, ये मैंने यहाँ किया। अब नेक्स्ट में जाता हूँ, ये देखिए चित्र जो इमारतों का ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिल्कुल चैप्टर से जुड़ा है, ये भी मैंने लिया और इसको मैं इसके पास ही रखूँगा। देखिए यहाँ पर इससे बच्चे फौरन रिलेट कर जाएंगे कि हमारी किताब का ही मामला है, चैप्टर हमारी किताब से पढ़ाया जा रहा है। उसके पश्चात हम 4.2 पढ़ाएंगे, इसको भी हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे और सीधा यहाँ लगा देंगे। देखिए फिर इसकी परिभाषा है, इस परिभाषा को हम सेलेक्ट कर लेंगे और लेकर यहाँ आ जाएंगे। मैं इसको नीचे खिसकाइए और इसको यहाँ से बड़ा कर लीजिए, चाहे तो आप इसको पूरे पेज पर देखिए, बिल्कुल साफ दिखाई देगा आपको ये। फिर इससे रिलेटेड कुछ चित्र हैं, इनको आप सेलेक्ट कीजिए। ये इतनी निपुणता तो आवश्यक है कि आप कंप्यूटर में जानते हों। और देखिए ये यहाँ पर थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसको थोड़ा सा मैंने संकुचित किया है, ये देखिए इतना आ गया। फिर आप क्या करेंगे, एक और न्यू स्लाइड लेंगे। न्यू स्लाइड फिर लेने के लिए आपको ब्लैंक सेलेक्ट करने की आवश्यकता, आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। दूसरा बिंदु है रेखाखंड, हम रेखाखंड को भी ऐसे ही सेलेक्ट करेंगे और पेस्ट करेंगे, ये देखिए। इन प्रोग्राम्स को बनाने का एक फ़ायदा यह है कि आप एक बार बनाइए, आपके जितने भी कक्षा 6 में पीरियड है, नेक्स्ट ईयर है, अगले साल जो कुछ भी आप करेंगे वो सब का सब आपकी मेहनत सफल रहेगी, वन टाइम यूज़ रहेगा, और टीचर के साथ दूसरे शिक्षकों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा, आपकी आवाज़ होगी, आपकी क्रिएटिविटी होगी, और आपकी मर्जी से बनाया गया ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। और चित्र ले लेते हैं यहाँ से, आप चाहें तो इनको एक एक कर लेते कर सकते हैं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ इसलिए मैं एक साथ ले रहा हूँ।
यहाँ पर हमने इसको रख दिया। ठीक है, तो मैं अभी आपको इतना ही बता रहा हूँ, हम दो टॉपिक के बारे में, दो बातों के बारे में पढ़ा देंगे, बिंदु और रेखाखंड के बारे में आगे बात करते हैं। तो इतना जब हम कर लेते हैं, दो टॉपिक पर, दो बिंदुओं पर बात कर ली हमने, अब इसके अंदर हम एनिमेशन डालेंगे। देखिए, इसके ऊपर जब हम क्लिक करके रखते हैं जिसमें एनिमेशन डालना है, और हम जाते हैं एनिमेशंस में, ये ऊपर जो आप देख रहे हैं एनिमेशंस, और देखिए अपीयर हो जाएगा। तो ये ऐसा है, जो आपको चाहिए, फ्लाई इन चाहिए फ्लाई इन होगा, फ्लोट चाहिए फ्लोट होगा, तो मैंने फ्लोट ले लिया है। और फिर मैं इसके ऊपर आता हूँ, फिर मैं इसको वाइप कर देता हूँ, यस, मैं बिंदु को सेलेक्ट करता हूँ, व्हील कर देता हूँ, ये मैंने किया, यहाँ पर ये कर दिया, फिर नीचे वाले को क्लिक किया, मैंने वाइप कर दिया, अब नीचे वाली स्लाइड पे मैं गया हूँ, रेखाखंड किया और व्हील कर दिया, फिर इस आयत को जिसमें रेखाखंड है इसको मैंने फेड किया, ये हाथ जिनके अंदर धागा पकड़ा हुआ है, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से, ओके। और ये है, ये चीज़ें आप वस्तुएं हैं, इनको हम और अच्छे से कुछ भी दे सकते हैं, अपलोड लीजिए बाउंस करके ये, या फिर मुझे बाउंस अच्छा नहीं लगा, ग्रो एंड टर्न, एग्जैक्टली, दिस इज मच बेटर। तो इतना करने के बाद अब आप क्या करेंगे, ये हो गया आपका, हम इसको स्लाइड शो में जाएंगे। स्लाइड शो में जाने के बाद देखिए ये ऑप्शन है घड़ी वाला, ठीक है, रिहर्स टाइमिंग भी कर सकते हैं आप रिहर्सल करने के लिए, बट आप रिकॉर्ड स्लाइड करना है मुझे, तो रिकॉर्ड करूंगा मैं और जाऊंगा स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगनिंग, ध्यान रखिएगा, इस पे मैंने क्लिक करना है। और इसके दो ऑप्शन आते हैं, स्लाइड एंड एनिमेशन टाइमिंग्स और नरेशंस एंड लेजर पॉइंटर, दोनों आने चाहिए, नरेशन भी आना चाहिए ताकि मैं नरेट कर सकूं। तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग करता हूं। अब आइए बच्चों, यहां से हम शुरू कर सकते हैं, ऐसे रिकॉर्ड करेंगे। आइए बच्चों, आज हम बात करेंगे आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं की। ये आपकी किताब का चौथा चैप्टर है। क्या आपको पता है कि ज्यामितीय क्या होती है? चलिए बात करते हैं। देखिए बच्चों, जो ये आपने चित्र देखा है, इस चित्र में ये जो चित्र है आपके दाहिनी ओर जो आपको दिखाई दे रहा है, वो कुछ आकृतियों को दिखा रहा है, जिसमें एक मंदिर का ऊपरी हिस्सा दिख रहा है जो गोल गुंबदाकार दिख रहा है। और इतना करने के बाद आप सिर्फ एंटर का बटन दबाइए और ये रिकॉर्डिंग आपकी हो चुकेगी, ठीक है। जब आप की ये रिकॉर्डिंग हो जाए तो इस तरह से ये छोटे फेस में दिखाई देंगी दोनों स्लाइड्स। तो आप क्या करें, इनको आप बड़े फेस में देख लीजिए, नीचे ये जो बटन आप देख रहे हैं नीचे यहाँ पर रूप में, और इसमें एक बटन आ गया है, ये देख रहे हैं आप, ये वाला जो बटन है स्पीकर का, ये आ चुका है इसके अंदर। इस स्पीकर के बटन के अंदर आपकी ऑडियो रिकॉर्ड हो चुकी है। इसको हम एक बार सुनकर देख लेते हैं कि क्या ये वाकई में बन गई है या नहीं बनी है। स्केप करके मैंने इसे बंद किया क्योंकि मुझे बिल्कुल साफ आवाज़ सुनाई दे रही है। अब इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और फाइल में जाकर सेव एज बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे सेव करने के ऑप्शंस दिखाई देंगे। कहाँ पर, इसका एक तो फाइल का नाम रखिएगा आप, जो भी आप रखना चाहते हैं। चलिए मैं रख देता हूँ चैप्टर फोर मैथ्स और सिक्स क्लास का, मैथ्स सिक्स। नीचे देखिए सेव एज टाइप में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह वगैरह बहुत सारे आएंगे ऊपर से, तो आप इनको ये सब ना करते हुए यहाँ पर आ जाएंगे, विंडोज़ मीडिया वीडियो, और इसको क्लिक करके यहाँ पर एक बार इंश्योर कर लीजिएगा कि ये इसी रूप में है, तो आप सेव का बटन दबा दीजिएगा। अब ये थोड़ा ज़्यादा समय लेता है वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है साथियों, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, आप एक बेहतरीन टीचर बन जाएंगे। तो जितना ये समय ले उतने का आप इंतज़ार कीजिए, हम भी इंतज़ार करते हैं। और सेव होने के बाद आप क्या करें, इसको मिनिमाइज करके देख सकते हैं। मैं इन सभी फाइल्स को, सभी जो एप्लीकेशन थी उनको मैंने मिनिमाइज किया है, और एक फ़ाइल है, मैं डॉक्यूमेंट्स में गया हूँ और यहाँ पर देखता हूँ कि मैंने जो रिकॉर्ड किया था, यस, चैप्टर फोर मैथमेटिक्स सिक्स, आप देख सकते हैं, इसको मैं प्ले करके देख रहा हूँ, आप सुनिएगा सर इसे ऐसा। तो पहला ऑप्शन आ गया है। अब आइए बच्चों, यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं, ऐसे रिकॉर्ड करेंगे। आइए बच्चों, आज हम बात करेंगे आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं की। ये आपकी किताब का चौथा चैप्टर है। क्या आपको पता है कि ज्यामितीय क्या होती है? चलिए बात करते हैं। देखिए बच्चों, जो ये आपने चित्र देखा है, इस चित्र में ये जो चित्र है आपके दाहिनी ओर जो आपको दिखाई दे रहा है, वो कुछ आकृतियों को दिखा रहा है, जिसमें एक मंदिर का ऊपरी हिस्सा दिख रहा है जो गोल गुंबदाकार दिख रहा है, और इसमें एक ऊपर बारीक सा जो आप देख रहे हैं शिखर बिंदु है, शिखर लगा हुआ है, और दाहिनी ओर उसके एक स्तंभ है, उन दोनों के ऊपर एक अर्धचंद्राकार आकृति है जो अक्सर दरवाजों के ऊपर देखने को हमें मिलती है। ये गुंबदाकार है, अर्धचंद्राकार है, और लेफ्ट साइड में एक घंटाघर दिखाई दे रहा है जो पिलर रूमा है, और ये चौकोर अवस्था में है। लेकिन इन सबको बनाने के लिए हमें आवश्यकता होती है एक बिंदु की, यानी कहीं से तो हम शुरू करेंगे ना बच्चों। तो बिंदु क्या होता है, क्या आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा ना, तो ज़रा सोचिए। अच्छा चलिए मैं भी बता देता हूँ, कागज़ पर एक पेंसिल के नुकीले सिरे से एक चिन्ह यानी कि डॉट अंकित कीजिए।
सिरा जितना नुकीला होगा चिन्ह उतना ही सूक्ष्म होगा। लगभग एक बिना दिखाई देने वाला सूक्ष्म चिन्ह आपको एक बिंदु की अवधारणा का आभास कराएगा। बिंदु यानी पॉइंट एक स्थिति या अवस्थिति यानी लोकेशन निर्धारित करता है। बिंदु के लिए कुछ उदाहरण भी होते हैं, क्या उदाहरण दे सकते हैं बच्चों आप? चलिए हम बात करते हैं कि किस किस चीज से हम बिंदु को बना सकते हैं। तो पहला है प्रकार का सिरा, पेंसिल का नुकीला सिरा, और तीसरा है एक सुई का नुकीला सिरा। उसके बाद जब हम बहुत सारे बिंदुओं को जोड़ देते हैं तो हमें एक रेखाखंड मिलता है या एक रेखा मिलती है, और रेखा बिल्कुल सीधे जा रही होती है जिसका कोई अंत नहीं होता, लेकिन रेखाखंड का अंत होता है। आप यहाँ पर एक आयत देख रहे हैं बच्चों, आयत ए, आयत के अंदर ए और बी एक रेखाखंड है जो आयत के ऊपरी हिस्से में और निचले हिस्से पर जाकर के खत्म हो जाती है, इसको हम रेखाखंड कहते हैं। आप यहाँ पर भी रेखाखंड का आभास कर सकते हैं कि एक महिला ने अपने हाथ में एक धागे को पकड़ा हुआ है, जहाँ पर दोनों तरफ से महिला ने धागे को पकड़ा हुआ है वे उसके छोर बिंदु हैं, और इनके बीच के धागे को हम एक रेखाखंड के उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। आपके आसपास भी बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, जैसे आपकी पुस्तक, मिठाई का डब्बा और ट्यूबलाइट के किनारे, पोस्टकार्ड के किनारे आदि, तो ये सब रेखाखंड का हमें आभास कराते हैं। आशा है बच्चों आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। क्या मैं सही कह रही हूँ? अगर आपने इतनी बात समझ ली है तो आप मुझे करके बताइएगा, और बताइएगा कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। बिंदु और रेखाखंड के बारे में आप समझ गए हो ना? ओके बच्चों, अगली कक्षा में हम अगली बातें सीखेंगे जो आपके ही पाठ से होंगी। गुड बाय। कई वीडियो बन जाए, और वीडियो बनने के बाद आप क्या करेंगे कि इसको आप शेयर कर लेंगे अपने मोबाइल के अंदर। तो इनको आप यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी कीजिए और सीधे जाइए अपने, मैं अपने मोबाइल के अंदर इसको कर रहा हूँ। अब इसके बाद आप इनको आराम से किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं।